योग गुरु बाबा रामदेव ने हरियाणा के फरीदाबाद में लव जिहाद के नाम पर सरेआम गोली मारकर की गई निकिता की हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव ने कहा कि फरीदाबाद की बेटी निकिता के हत्यारों को चौराहे पर सरेआम फांसी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की हत्याएं बेहद शर्मनाक और दरिंदगी की पराकाष्ठा है। देश में कठोर कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी माँ बेटी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है और कलंक है भारत माता के माथे के ऊपर कि ऐसे पब्लिक के बीच में, सड़कों में जहाँ हजारों लोग वहाँ पर हैं, और उनके बीच में कोई मार करके किसी बेटी को कि आप यदि मजहब नहीं बदलेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो एकदम दरिंदगी की पराकाष्ठा है। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा के महाराष्ट्र सरकार पर भगवा आतंकवाद के नाम पर मानसिक उत्पीड़न करने के बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि भगवा का संबंध कभी ना आतंकवाद से था, ना है और ना कभी होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में कुछ कट्टरवादी संगठित हो रहे हैं, इस्लाम के बड़े लोगों को इनको रोकना होगा। देखिए, भगवा का संबंध ना कभी आतंकवाद से था, न है न होगा, क्योंकि हमारी जड़ें अहिंसा में है, हमारी जड़ें विश्व बंधुत्व में है। इसलिए ये आतंकवाद का कलंक कोई भी हिंदू धर्म पर या भगवा पर लगाना चाहता है तो उसको खुद मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं तो पूरी दुनिया के इस्लाम के जो बड़े लोग हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जो एक कट्टरवाद की कोई एक ऑर्गेनाइज तौर पर आगे बढ़ा रहा है, उसको भी जल्दी से जल्द ध्वस्त करना चाहिए। नहीं तो ये ख़त्म नहीं हुआ तो इस्लाम भी उससे खतरे में आ जाएगा। इस्लाम को खतरा दूसरे मजहबों से नहीं है, इस्लाम को खतरा जो उसके भीतर के जो आतंकवादी सोच के जो कट्टरवादी लोग हैं उन्हीं से। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि चुनाव को लेकर राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।